there is a slight correction here. This is not greater than 0. This is not greater than 0. This is less than 0. This is less than 0. Okay, this is less than 0. So what is happening within the system that this summation of this quantity, is less than 0. अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया, ये प्लस और माइनस क्यों लग रहा है. देखो, हीट गिवन टू अ सिस्टम, आई टोल्ड यू इन द वाइल टीचिंग यू, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव. ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव. सो फॉर दिस वी कैन राइट इट, इफ यू आर राइटिंग इट फॉर द हीट इंजन, इफ यू आर राइटिंग इट फॉर द हीट इंजन. सो क्यू वन बाई टी वन माइनस क्यू टू बाई टी टू इज लेस देन जीरो. क्यू वन माइनस टी वन इज इक्वल टू इज लेस देन जीरो, यानी ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपने इस हीट इंजन को ट्रांसफर करी. क्यू वन बाई टी वन आपने इस हीट इंजन को ट्रांसफर करी, और जब इसने वर्क प्रोड्यूस कर दिया, इसके बाद ये इसने क्या किया, जो हीट इंजन है, इसने Q2 बाई T2 किसको ट्रांसफर कर दिया, आगे हीट इंजन ने आगे ये ट्रांसफर कर दिया Q2 बाई T2. पर जब क्लॉसेस ने देखा ये, तो उनको ये दिखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये वाली जो क्वांटिटी है Q1 बाई T1 और Q2 बाई T2 में एक डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस है लेस देन जीरो, यानी Q2 बाई T2 इससे ज़्यादा है. तो ऐसा क्या हो रहा है बीच में जो ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो जा रही है. कुछ चीज़ सिस्टम के अंदर हो रही है, अपने आप सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, या सिस्टम के अंदर वो चीज़ जनरेट हो रही है जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है. तो उन्होंने देखा ये, और उसके बाद उन्होंने जब एनालाइज किया इसको, तो उन्होंने कहा सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ जनरेट हो रही है, और उसको उन्होंने डिनोट किया उस क्वांटिटी को एस से. और अगर आपको इसे इक्वल टू जीरो लिखना है, तो आप इसको इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं जब आप इसमें ये वाली क्वांटिटी को ऐड कर देंगे. तो उन्होंने ये जो चीज़ सिस्टम के अंदर अपने आप इंड्यूस हो रही है, उसको नाम दिया, ये क्वांटिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये एंट्रोपी नाम दिया उन्होंने. एंट्रोपी से इसको रिप्रेजेंट, एस को एंट्रोपी बोला जाता है, यानी एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी एंट्रोपी वो बोल रहे हैं, सिस्टम के अंदर कुछ जनरेशन हो रहा है, तो क्यू बाई टी जो है ये भी क्या होगा एंट्रोपी. Q1 बाई T1 क्या है, ये भी होगा एंट्रोपी. उन्होंने देखा कि सिस्टम के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है एज यू मूव टुवर्ड्स अ लोअर टेम्परेचर एंड ट्रांसफर हीट टू अ लोअर टेम्परेचर. व्हाट इज हैपनिंग, द क्वालिटी ऑफ हीट इज डिक्रीजिंग और The randomness is decreasing. As you can see from here that from higher temperature, if you are moving towards lower temperature and heat interaction is taking place, the randomness is increasing towards this direction in the decreasing temperature direction. Okay. तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा, और ये जो randomness था, इस randomness को उन्होंने entropy नाम दिया. रैंडमनेस को उन्होंने एंट्रोपी नाम दिया. और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो Q1 बाई T1 क्वांटिटी है, ये ही हमें एंट्रोपी की यूनिट के बारे में बताएगी कि एंट्रोपी की यूनिट क्या है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, टी केल्विन में रहेगा और एंट्रोपी की यूनिट आएगी जूल पर केल्विन. इन्होंने यहाँ से ये देखा कि कुछ क्वांटिटी जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, तो ये जो Q1 बाई T1 है, ये हम बेसिकली एंट्रोपी ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से. ये है एंट्रोपी ट्रांसफर, ठीक है, ये है एंट्रोपी ट्रांसफर. तो ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी,
ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी, ये किसके लिए हमने लिखी है, ये हमने किसके लिए लिखी है, ये इरिवर्सिबल के लिए है, ठीक है, यह इरिवर्सिबल के लिए। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहां थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके से यूज होगा, ठीक है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके से यूज होगा। ये इरिवर्सिबल के लिए आपने लिखा है, ये इरिवर्सिबल के लिए आपने लिखा है। और अगर आप रिवर्सिबल की बात करोगे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए एस जनरेशन जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, Q1 by T1 विल बी इक्वल टू Q2 by T2। यह है रिवर्सिबल के लिए। एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस देर इज नो एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम। एंट्रोपी जनरेशन, हालांकि आप उसमें एंट्रोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, यू आर ट्रांसफरिंग एंट्रोपी, ध्यान रखो, Q1 by T1 इज रिप्रेजेंटिंग एंट्रोपी ट्रांसफर, द सिस्टम इज हैविंग सम एंट्रोपी, ठीक है। जैसे सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है, उसे हीट की फॉर्म में एनर्जी देकर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसी तरीके से सिस्टम के पास एंट्रोपी पहले से है, सिस्टम इज हैविंग सम एंट्रोपी, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट एट जीरो केल्विन, इट विल पजेस सम एंट्रोपी, उसके पास कुछ एंट्रोपी होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ रैंडमनेस होनी ही है। जहां पर मोशन अकर कर रहा होगा, जहां पर मोशन अकर कर रहा होगा वहां पर एंट्रोपी होगी, ठीक है। सिस्टम अगर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन से ऊपर है तो एंट्रोपी उसने पजेस करनी ही करनी है। हाँ, जब आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो आप एंट्रोपी भी ट्रांसफर कर रहे हो उसके साथ, Q1 by T1, जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वो ट्रांसफर हो रही होगी वो एंट्रोपी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये आप एंट्रोपी ट्रांसफर कर रहे हो, ओके। यूनिट वही रहेगी, ट्रांसफर कर रहे हो पर यूनिट जूल पर केल्विन ही रहेगी, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट रहेगी हमेशा। यहां से एक चीज और है, ध्यान से अगर देखोगे, जब आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके साथ एंट्रोपी भी ट्रांसफर हो रही है, सो हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद विच एंट्रोपी ट्रांसफर इज एसोसिएटेड। ये हीट की एक और डेफिनेशन हो सकती है, मतलब इस तरीके से भी हीट को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। दो, एक तरीके से मैंने आपको बताया था, हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद विच एंट्रोपी ट्रांसफर इज एसोसिएटेड। यहीं पर अगर मैं आपको कहूं, आपके पास पिस्टन के अंदर गैस प्रेजेंट है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मोशन हो रहा होगा, उसकी वजह से इसमें एंट्रोपी भी होगी। बट अगर आप इसे कंप्रेस करोगे ना, ध्यान देना यहां पर, अगर आप इसे कंप्रेस करोगे तो मोशन इधर की तरफ को इंड्यूस होगा, मोशन इधर की तरफ को ही होगा, तो जो मॉलिक्यूल है दे विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो ध्यान रखना, जब आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो ये वर्क जो है वो डिफाइंड है, मतलब आपके जो सिस्टम है उसका मोशन डिफाइंड है, उसको पता है कि मेरे को किस पाथ से जाना है, जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें पता है कैसे किधर की तरफ जाना है। ये मॉलिक्यूल अपना पाथ चेंज नहीं करें, मतलब ये रास्ता बदलेंगे नहीं, ये मॉलिक्यूल इधर को वापस जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है उसका मोशन इसी डायरेक्शन में, तो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन या इधर की डायरेक्शन में कभी नहीं जाएंगे, दे विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल और भी है, अगर आप एक बॉल को हॉकी स्टिक से ऐसे मारोगे तो दिस बॉल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये बॉल अपने आप इधर को नहीं भागेगी, जहां आप इसे चाहते हो वो वहीं पर ही जाएगी। बट अगर आप एक कंटेनर में गैस को हीट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, दे विल मूव इन एनी डायरेक्शन। सो जब आप सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं ना, जब आप सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं उसकी वजह से सिस्टम के अंदर, सिस्टम को एनर्जी तो मिलती है बट द हीट ट्रांसफर क्रिएट्स सम डिस्टर्बेंस विद इन द सिस्टम और डिसऑर्डरनेस विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस कर देगा। इसकी वजह से ही देखो, हीट जब आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो, मतलब गैस को, अगर जब आप, हम गैस की बात करते हैं, गैस से समझना आसान है, अगर आप गैस को हीट ऐड कर रहे हो तो मॉलिक्यूल को पता नहीं है कि कौन कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो उनकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है,
द एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड. सम ऑफ द एनर्जी दैट कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड हैज बीन डिसिपेटेड. सो इस वजह से जब आप इसी वजह से हीट टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है. इसी वजह से हीट टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है. आपने जब हीट ऐड किया मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस आई. जब रैंडमनेस आएगी तो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी वो डिसिपेटेड हो जाती. इसी वजह से हीट को टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता. तो और इसी वजह से जब हीट की वजह से सिस्टम के अंदर रैंडमनेस आ रही है तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है. तो एक तरीके से वो हीट अपने साथ एंट्रोपी लेकर आ रही है. हीट अपने साथ एंट्रोपी लेकर आ रही है. तो इसीलिए कहते हैं हीट ट्रांसफर इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद विच एंट्रोपी ट्रांसफर इज एसोसिएटेड. सो आई होप टूडेज सेशन वॉज क्लियर टू यू ऑल. हमने बेसिकली ये पढ़ा है, दो चीजें पढ़ी आज. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस Q1 by Q2 is equal to Q2 by T2 for a reversible engine and this is or for a reversible device. Reversible device के लिए ये वाला जो concept है ये सही है और ये concept इसीलिए सही रहेंगे हमेशा और हमेशा. ये कभी भी fail हो नहीं सकते क्योंकि ये experimental है सारे और ये nature पर based है जितने भी है वो. अकॉर्डिंग these are nature's laws. अगर nature के अंदर कोई forces change होंगे तो ये भी चेंज होगा. बट अंटिल एंड अनलेस दी फोर्सेस दी नेचुरल लॉज आर सेम दीज लॉज कैन नॉट बी डिफाइड. ठीक है, ये लॉज हमेशा सही रहेंगे. और ये वाले जो इक्वेशन है Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2 प्लस एस जनरेशन इज इक्वल टू जीरो, ये किसके लिए होगा ये होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. तो हमने ये चीज ये सीखा फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस देर इज नो एंट्रोपी जनरेशन विद इन अ सिस्टम. एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है. तो वो जो था वो वाला पार्ट जो है वो एस जनरेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का हम सेशन खत्म करेंगे. बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्लॉसेस इनइक्वालिटी और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं एंट्रोपी में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन थैंक यू एंड टेक केयर.